हाय गाइस, वेलकम बैक टू मई चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं गुड वाइब्स की हेयर क्रीम्स का आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँ और डेमो भी करके दिखाऊं। तो मेरे पास है 4, तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से आप इन प्रोडक्ट्स को जरूर खरीदो, क्योंकि देख ही सकते हो यार मेरे बाल। आज मैंने इन्हीं को यूज किया है और अपने बालों को मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद आए, बाल एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, स्मूथ हो चुके हैं। तो चलो फटाफट से इनका रिव्यू देखते हैं, मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। लेट्स बिगिन। ये है गुड वाइब्स की हेयर क्रीम, मेरे पास 4 हैं। आर्गन सॉफ्टनिंग हेयर क्रीम, कैरेटिन स्ट्रेंथनिंग हेयर क्रीम, टी ट्री है डैंड्रफ क्लेंजिंग हेयर क्रीम, एलोवेरा है नरिशिंग हेयर क्रीम। तो मैंने डियर इनको यूज किया हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको 2 यूज करके भी दिखाऊंगी एज अ डेमो। ये मेरे भाई ने अपने चैनल के ऊपर इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आपने नहीं देखे तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लो। और ये जो कैरेटिन वाली है ना डियर, इसका तो मैंने हेयर स्पा सोचा हुआ है, तो बहुत जल्दी हेयर स्पा की वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। इसको यूज करके हेयर स्पा करके दिखाऊंगी, और तो आज की वीडियो में आपको मैं ये दोनों यूज करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुड वाइब्स एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर पैराबेंस नहीं होते, सल्फेट्स नहीं होते, क्रुएल्टी फ्री ये वाला प्रोडक्ट है। और क्वांटिटी सबकी सेम दी हुई है, 100 ग्राम इस तरह की आपको पैकेजिंग में ये वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मुझे गुड वाइब्स ने हेयर क्रीम्स निकाले थे, काफी अच्छा वाला लगा मुझे ये वाला कंसेप्ट और डिफरेंट लगा जब इनको यूज किया, तो मुझे डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर मैंने ये दोनों अप्लाई की थी ना, तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, तो डियर ये मुझे बहुत ज्यादा ना सॉफ्टनिंग वाला लगा। आफ्टर रिजल्ट इसका बहुत अच्छा लगा। इसका जो था डियर, एज कंपैरेटिवली अगर मैं इसके बताऊं, तो इतना ज्यादा मेरे बाल सॉफ्ट नहीं हुए थे, मतलब ठीक थे, बट इतने ज्यादा कंपेयर अगर मैं करूं तो, अदरवाइज इसके साथ भी बाल अच्छे थे बट कंपेयर करूं तो, क्योंकि डियर ये जो इसका मेन काम है ना, ये आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा, डैंड्रफ को हटाएगा, ईचीनेस है, कोई फंगल प्रॉब्लम है स्कैल्प में, तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो अगर आप के स्कैल्प में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपको ये वाली ट्राई करनी चाहिए। अदरवाइज आपको डियर ये तीनों में से कुछ भी अगर आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों आपको नरिशमेंट, सॉफ्टनिंग, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेंगे। और आर्गन है इसके अंदर, जो आपके लाइफलेस जो आपके बाल होते हैं ना, उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, एकदम फ्रिज फ्री हो जाते हैं यार। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ, तो 315 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट है, डिस्काउंट चल रहा है, लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। और आपको 3 साल इनकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। ये जो कैरेटिन वाली हेयर क्रीम है, ये आपके बालों को बाउंस प्रोवाइड करेगी, फ्रीजीनेस से हटाएगी, आपके बालों में शाइन आएगा, मॉइस्चर आ जाएगा। तो इसको तो डियर मैं एक अलग वीडियो इसके लिए मैं बनाऊंगी, आप लोग जरूर देखना। एंड ये जो एलोवेरा है, ये आपकी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा आपके बालों में, देख सकते हो, सॉफ्टनेस करेगा, स्मूथ करेगा, ग्लॉसी बनाएगा आपके बालों को। एंड वैसे भी यार एलोवेरा भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है एलोवेरा में। मैं आपको फटाफट से ना ओपन करके दिखाती हूँ। और स्मेल की अगर मैं बात करूँ ना, माइल्ड से फ्रेगनेंस आती है, आपको एक ये लिड मिल जाएगा सेफ्टी पर्पज के लिए, देख सकते हैं मैंने इसको यूज किया हुआ है। ये डियर इसको यूज किया हुआ है 1-2 बार, इसलिए आपको ये कम लग रही है, अदरवाइज ये पूरी भर के आती है, ठीक है। और इनका अच्छा, मैं अगर इनका टेक्सचर की बात करूं, तो देयर लाइक देख सकते हो आप कितना थिक टेक्सचर है। देखो मैंने इसको नीचे किया, ये गिरी नहीं, काफी थिक टेक्सचर है इसका, अच्छी क्वालिटी वाली क्रीम से फ्रेगनेंस इनकी बहुत अच्छी आती है। आज की वीडियो में मैं आपको 2 हेयर क्रीम्स अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये 1 हफ्ते पहले की वीडियो है, मैंने 1 हफ्ते पहले टी ट्री अप्लाई किया था। आपने इसको हफ्ते में एक ही बार आपने क्रीम्स को यूज करना है। बालों को शैम्पू कर लो अच्छी तरह से, बाल आपके क्लीन होने चाहिए, उसके बाद ही आपने कंडीशनर नहीं यूज करना, आपने यूज करनी है क्रीम। ये आपके कंडीशनर की तरह ही आपने इसको यूज करना है, 20 मिनट्स के लिए आपने इसको रखना है। टी ट्री वाले वो लोग यूज करें जिनको स्कैल्प की कोई प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है या फिर इचीनेस होती है। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है टचवुड, लेकिन मुझे प्रोडक्ट को यूज करना था, टेस्ट करना था, चेक करना था आप लोगों के लिए, तो मुझे काफी अच्छा लगा इसका रिजल्ट। सॉफ्ट हो जाते हैं इससे भी बाल, आप इसको अच्छी तरह से मसाज करो, अपने स्कैल्प के ऊपर लगाओ, बालों के पूरी लेंथ के ऊपर आप उसको अप्लाई करो क्रीम को। इसके अंदर से टी ट्री की बहुत ना अच्छी वाली फ्रेग्रेंस आती है, आप देख सकते हो, मैं अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर रही हूं, मसाज कर रही हूं। उसके बाद मैं इसका ना एक बन बना के रख लूंगी, बन बना दूंगी और 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो,
अब मैं इसको वॉश करूंगी, तो बहुत अच्छे से थॉरली आप इसको वॉश करो ताकि बिल्कुल भी क्रीम का रेसिड्यू ना रहे। मसाज कर कर के आप इसको वॉश करो स्कैल्प में अच्छी तरह से। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो डियर, मेरे बालों में इतना डैंड्रफ, मतलब मेरे बालों में डैंड्रफ नहीं था, तो एग्जैक्ट मैं इसका रिजल्ट मुझे नहीं, मैं आपको डिफाइन कर सकती, पर ओवरऑल अगर मैं बालों की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे, फ्रिज फ्री हो गए थे। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इसको जरूर ट्राई करना। ओके, अब ये 1 वीक, अब की ये रिसेंटली ये वाली मैंने इसको अप्लाई किया था, आर्गन वाली क्रीम है। आप देख सकते हो मेरी चिन एरिया पे पिंपल हो गया, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पहले पिंपल नहीं था, एक हफ्ते के बाद पिंपल्स हो गया। एनीवे, ये आर्गन वाली है, आर्गन वाली की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और ये एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट कर रही है, कर दिया था इसने मेरे बालों को। मैं इसको अच्छी तरह से अपने पूरे बालों की लेंथ के ऊपर और मसाज कर रही हूँ, अच्छी तरह से अपने बालों के स्कैल्प के ऊपर मसाज करूंगी। गाइज, मेरे पास ना एक और है कैरेटीन वाली, कैरेटीन वाली जो है उसका मैं ना कुछ और प्लान कर रही हूँ हेयर स्पा करने का, तो बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो आएगी, देख लो। अच्छी तरह से मैंने इसको लगा लिया, बन बना लिया, 20 मिनट्स रख लिया था, 20 मिनट रखने के बाद ये मैं इसको वॉश कर रही हूँ आर्गन वाली को। जो कैरेटीन वाली क्रीम है ना उसको भी अप्लाई करके दिखाऊंगी आप लोगों को, उसका मैंने कुछ और प्लान किया हुआ है हेयर स्पा टाइप, उसकी भी वीडियो आने वाली है। एलोवेरा वाला मेरे भाई ने यूज किया था, तो आप उसके चैनल पे जाके देख सकते हो। क्रीम्स को आप जरूर ट्राई करो, उसके बाद मेरे बाल एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट स्मूथ हो गए थे, सिल्की हो गए थे। मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली आप सबके साथ शेयर कर देना। मेरी तरफ से आप ये वाली हेयर क्रीम्स को जरूर ट्राई करो, आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके बालों की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इनको बाय करो। तो यह परचेज लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। टिल देन बाय। ओके, रियली सॉरी मैं आप बताना भूल गई, अगर आपको मेरी लिपस्टिक पसंद आ रही है तो यहीं पे एक्चुअली पड़ी थी, या मैं वेट कर रही थी कि मैं लिपस्टिक जरूर मेंशन कर दूंगी। ये है डार्लिंग इसाबेला की लिपस्टिक और शेड नंबर 9 है ये नॉटी न्यूड रॉयल्टी, देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल वाली लिपस्टिक है। इसका मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आपको मेरे इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं तो डियर ये है कफ्स एंड लैशेस ज्वेलरी, और कफ्स एंड लैशेस की ज्वेलरी का हॉल आने वाला है तो आप लोग जरूर देख लेना। कफ्स एंड लैशेस के थोड़े से मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स भी हैं, उसका भी हॉल आएगा, 2 वीडियोस आएंगी, तो आप लोग जरूर देख लेना। बाय।